हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर रोज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं उन्हें कवर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, SSC, रेलवे, जो बाकी भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए आप इस सेशन को तो जरूर देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज लगातार बेसिस पर मिलती रहती है। आप प्लेलिस्ट में अगर जाके देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर्ड ही मिलेंगे। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस का भी आपको अपडेट लगातार मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, पीएम मोदी टू होल्ड वर्चुअल समिट विद फिनलैंड पीएम सना मैरिन टुडे। तो आज पीएम मोदी जो है वर्चुअल ये समिट करेंगे फिनलैंड की जो पीएम है सना मैरिन उनके साथ। और आपको पता है पिछले लगभग एक साल से, जब से ये कोविड का जो स्प्रेड है वो स्टार्ट हुआ है, तब से जितने भी इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं, समिट्स हुए हैं, वो ज्यादातर वर्चुअली ही हुए हैं। तो आज फिनलैंड के पीएम के साथ ये वर्चुअली समिट करेंगे नरेंद्र मोदी। और ड्यूरिंग द समिट द टू लीडर्स विल कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलेटरल रिलेशनशिप जो इंडिया और फिनलैंड के बीच में है, एंड विल ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर बात करें भारत और फिनलैंड के, काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस है बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों ही देश देश में आपको पता है डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो बोथ कंट्रीज हैव वेरी क्लोज कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में अगर बात करें तो काफ़ी सारी फिनलैंड की कंपनीज है जो भारत में ऑपरेट करती है, और वाइस वर्सा भारत की भी कुछ कंपनीज है जो फिनलैंड में काम करती हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे भारत और फिनलैंड के रिलेशन है। और ठीक है, तो आज ये वर्चुअल समिट होगा, जो भी इसमें से अपडेट निकल के आएगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट MOU साइन होता है तो जरूर मैं आपके साथ कल के शो में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कर लें, एक तो फिनलैंड की पीएम का नाम क्या है, ठीक है, वहाँ के आप प्रेसिडेंट का भी नाम आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट वहाँ के प्रेजिडेंट कौन है, वहाँ की अगर बात करें कैपिटल क्या है फिनलैंड की, तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जो भी है वो भी आपको पता होना चाहिए। करेंसी तो आपको पता ही है क्योंकि ये यूरोप के अंदर आता है, वहाँ पे सबकी एक ही करेंसी है यूरो, तो करेंसी तो फिनलैंड की यूरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भारत और फिनलैंड के बीच का ये वर्चुअल समिट जो 16 मार्च आज होना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि US बिकम्स सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें फरवरी मंथ जो अभी 2021 का गया है, तो उसका जब डाटा अभी सामने आया तो उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने सऊदी अरेबिया को भी पीछे कर दिया है एज द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया, अगर फरवरी 2021 मंथ की बात करें। इसका देखिए क्यों, क्या रीज़न है कि भारत ने US से ज़्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए हाल ही में जो ओपेक कंट्रीज है, ओपेक का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितने भी देखिए जो गल्फ कंट्रीज है यानी खाड़ी देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्रूड ऑयल पाया जाता है, तो उनका एक ग्रुप है। तो क्योंकि कोविड का जब स्प्रेड स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम से जो है लगातार क्रूड ऑयल के प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। तो अब उसको, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली होता है उनकी भी इकोनॉमी इससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पर, तो उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी थी इसकी वजह से। तो अब उन्होंने क्या किया है कि सभी ने मिलकर डिसाइड किया, जो ओपेक कंट्रीज के मेंबर है, कि हम इसकी प्रोडक्शन को कम करेंगे। अब देखिए प्रोडक्शन कम करने से क्या होता है, देखिए ऑब्वियसली बात है इसकी डिमांड तो रहती है, डिमांड लगातार इंक्रीज ही होती है जो क्रूड ऑयल की है, ठीक है ना। और अगर ये अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो उससे क्या है प्राइजेस जो है, ऑब्वियसली बात है अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। और अब देखेंगे पिछले कुछ टाइम में लगातार जो है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसलिए भारत ने क्या किया फिर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब ओपेक कंट्रीज ने जब ये डिसाइड किया कि वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो उससे जो उन कंट्रीज से आने वाला तेल था उसके प्राइस लगातार बढ़ रहे थे, तो भारत ने जो है यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और सऊदी अरेबिया, पहले देखिए भारत सबसे ज़्यादा पहले सऊदी अरेबिया, इराक, इनसे इंपोर्ट किया करता था क्रूड ऑयल, लेकिन अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स हैज ओवरटेकन सऊदी अरेबिया एज द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन फरवरी 2021। और इसका रीज़न मैंने आपको बताया, एक तो US से जो क्रूड हम परचेज करते हैं उसका जो रेट है वो थोड़ा सस्ता में पड़ता है, ठीक है, चीप US क्रूड परचेजेस। और इसके अलावा मैंने आपको बताया जो ओपेक कंट्रीज ने जो अभी हाल ही में सप्लाई को कट करने का डिसीजन लिया था उसको भी ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें द स्विच इन सप्लाईज ट्रिगर्ड बाय द लोअर डिमांड फॉर US क्रूड, तो क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है कि जो US का क्रूड ऑयल था उसकी डिमांड पिछले कुछ टाइम में घटी है, क्योंकि US जो है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा US करता है, ठीक है। तो और उनकी क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर इतनी डिमांड नहीं थी अभी, ठीक
ठीक है, तो उससे और ओबियसली वहां जब इतनी डिमांड नहीं थी, वहां प्राइजेस कम थे, तो भारत ने उनकी तरफ स्विच किया अपने सप्लाईज को, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो वॉलंटरली आउटपुट कट का जो डिसीजन था ओपेक कंट्रीज का, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को भी कम किया ओपेक कंट्रीज के जो मेंबर है, तो इसीलिए जो है भारत फिर यूएस की तरफ भारत ने स्विच किया, ठीक है। इसके अलावा अभी भी देखिए, इराक कंटिन्यू टू बी द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया डिस्पाइट अ 23% डिक्लाइन इन परचेजेस टू अ 5 month लो ऑफ, आप देख सकते हैं 8,67,500 बैरल्स पर डे भारत ने जो है इराक से परचेज किया, जो कि 23% का डिक्लाइन इराक में भी, इससे भी जो हम तेल लेते हैं उसमें भी देखने को मिला, क्योंकि इराक भी देखिए ओपेक कंट्री का ही मेंबर है, ये भी खाड़ी देश गल्फ कंट्री का ही में ही आता है इराक भी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ओपेक का डिसीजन है वो उस पर भी लागू होता है, जो प्रोडक्शन कट का, ठीक है ना। तो उसमें भी आप देखेंगे इराक से भी जो भारत ने तेल इम्पोर्ट किया ऑयल, उसमें भी कमी आई है, बट अभी भी लेकिन ये सबसे पहले नंबर पे है भारत जो इम्पोर्ट करता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा देखिए आपको पता है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना, और उसके बाद भारत है जो इसे कंज्यूम करता है, ठीक है। सो इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लें। तो अभी भी पहले नंबर पर भारत ने इराक से ऑयल परचेज किया, उसके बाद फिर यूएस, और सऊदी अरेबिया किस पोजिशन पर चला गया, फोर्थ नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए ऐसी कंट्री है जैसे ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, और भी कंट्री है जहां से भारत आने वाले टाइम में ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए ईरान के ऊपर काफी सारे सेंक्शंस है यूएस के, आपको पता है। और अब उम्मीद है कि जो जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हो सकता है कुछ जो है रिलैक्सेशन मिले इनके अंदर, जो सेंक्शंस लगाए गए थे, ठीक है। अब देखते सकते इस तरीके से ऑयल जो है वो नीचे बिलो द अर्थ से निकाला जाता है इन डिवाइसेस से, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो 2021 के जो है अभी उनका विनर्स का नाम अनाउंस किया गया है अभी, ठीक है। सो ये 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स है, जिसे होस्ट किसने किया था इस बार, ट्रेवर नॉ ने, ठीक है। ट्रेवर नॉ ने इसे इन्हें होस्ट किया था, और ये कहाँ पे इसे प्रेजेंट किया गया था, इस अवार्ड सेरेमनी को लॉस एंजेलेस कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है, लॉस एंजेलेस कन्वेंशन सेंटर में 15 मार्च यानी कल ही के दिन जो है इसे प्रेजेंट किया गया था इस अवार्ड फंक्शन को। 63rd एडिशन है ये एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स का, ठीक है, और इसे होस्ट किसने किया था, ट्रेवर नॉ ने, ठीक है। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है वो मिला है बिली एलिश को, बिकेम द फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट टू विन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी फॉर 2 ईयर्स इन अ रोल, यानी लगातार 2 साल से उन्हें ये अवार्ड मिला है सोलो आर्टिस्ट का, ठीक है। सो बिली एलिश बिकेम द फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट टू विन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें लगातार 2 सालों से मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो बियॉन्से क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द मोस्ट अवार्डेड वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रैमी विद 28 विंस, और जो बियॉन्से हैं उन्हें शी और शी हैज आल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द मोस्ट अवार्डेड वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रैमी, उनको अब तक 28 अवार्ड जो है मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो टेलर स्विफ्ट जो है बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड 3 टाइम्स आफ्टर विनिंग द ऑनर फॉर हर एल्बम फोल्कलोर, ठीक है। तो इस साल जो इन्हें अवार्ड मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का, वो किसके लिए मिला है, फोल्कलोर के लिए, ठीक है। और इन्हें अब तक जो है ये अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार मिल चुका है, और इस बार जो मिला है फोल्कलोर के लिए मिला है। बियॉन्से के बारे में ना खुद है मोस्ट अवार्डेड वुमेन है ये इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रैमी, इनको अब तक 28 अवार्ड मिल चुके हैं। और बिली एलिश के बारे में ना खुद है इन्हें सोलो आर्टिस्ट, फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट है जिन्हें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, लगातार 2 सालों से इन्हें मिल रहा है ये अवार्ड, ठीक है। अगर बात करें इन ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में, तो ये बेसिकली ऑनर करता है उन म्यूजिकल आर्टिस्ट को, कंपोजिशंस को, और उन एल्बम्स को अक्रॉस 84 कैटेगरीज, तो जो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवार्ड्स अनाउंस करते हैं, तो खासकर जो म्यूजिकल आर्टिस्ट है, कंपोजिशंस है, एल्बम्स है, उन्हें ये ऑनर करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया इस बार अवार्ड्स किन्हें मिले हैं, आप यहाँ पर उन तीनों को ही देख सकते हैं, एक तो बेले एलिश, फिर मैंने आपको बताया बियॉन्से और टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट बात करें तो आरबीआई ने सभी बैंक्स को कहा है कि वो जो इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है वो उन्हें इंप्लीमेंट करे सभी ब्रांचेस के अंदर बाय सितंबर 30, ठीक है। तो 30 सितंबर तक जो इमेज बेस्ड सीटीएस सिस्टम है, जिससे देखिए आपका चेक क्लियर होता है, पहले क्या होता था देखिए फिजिकल मूवमेंट हुआ करती थी चेक की, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी एक बैंक में दूसरे बैंक का चेक डाला क्लियर कराने के लिए, तो फिर वो फिजिकली उस बैंक में वेरीफाई होने के लिए जाता था, लेकिन बाद में बैंक ने जो है आरबीआई ने जो है सीटीएस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम का, जिससे क्या है जो बेसिकली उनकी स्कैंड कॉपी है वो सीधा एज इट इज जाती थी, फिजिकल मूवमेंट चेक का नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद भी इसमें काफी सारे और
इम्प्रूवमेंट्स लाए गए हैं ताकि जो ये सिस्टम है पूरा चेक का वो ट्रांसपेरेंट रहे और इसमें काफी सिक्योरिटी रहे, ठीक है ना, कोई किसी तरीके का भी कोई चिटिंग ना कोई कर पाए। इसको लेके लगातार आरबीआई जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करता रहता है, चाहे जो भी चीजें, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो गई और जितने भी, चाहे वो यूपीआई हो गया, सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बैंकिंग के अंदर पेमेंट वगैरह सर्विस के, उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आरबीआई ने कहा है सभी बैंक्स को कि वो इंप्लीमेंट करें इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम अंडर रिस्पेक्टिव ग्रिड्स इन ऑल ब्रांचेस बाय 30th of September दिस ईयर। 30 सितंबर की डेडलाइन रखी है और इसका जो ये मूव है इज एम्ड एट फास्टर सेटलमेंट ऑफ चेक रिजल्टिंग इन बेटर कस्टमर सर्विस। इससे मैंने आपको बताया पहले जो फिजिकल मूवमेंट हुआ करती थी चेक की, उसमें काफी टाइम लगता था, तो इससे क्या है बेसिकली चेक्स जल्दी सेटल हो जाते हैं रिजल्टिंग इन बेटर कस्टमर सर्विस। और आरबीआई ने ये भी अनाउंस किया कि पैन इंडिया कवरेज जो है सीटीएस की बाय ब्रिंगिंग ऑल बैंक ब्रांचेस अंडर द इमेज बेस्ड क्लियरिंग मैकेनिज्म। तो आरबीआई ने पिछले मंथ ही ये अनाउंस किया था कि जो ये सीटीएस सिस्टम है पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जितनी भी ब्रांचेज है, पर्टिकुलरली रूरल जो ब्रांचेज होती है रूरल एरियाज में, वहां पे अभी भी ये इसे यूज नहीं किया जाता था। तो अब उस कहा है आरबीआई ने कि इन्हें हर जितने भी ब्रांचेज है, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, कहीं पर भी हो, हर जगह ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। और अपेक्स बैंक जो है आरबीआई, उन्होंने कहा दैट टू लीवरेज द अवेबिलिटी ऑफ सीटीएस एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ बैंक ब्रांच, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड सीटीएस अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इन द कंट्री। देखिए यूनिफॉर्मिटी के लिए, क्योंकि क्या होता है अगर किसी ब्रांच में नहीं है अभी भी ये वाला जो इमेज बेस्ड सीटीएस सिस्टम है, तो फिर वहां दिक्कत आती थी, ठीक है ना, तो वहां फिर वही जो पुराना तरीका था उसको यूज करना पड़ता था। तो अब क्या है, जब सभी ब्रांचेज में ही, हर बैंक के हर ब्रांच में ये चीज होगी, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ये 30th of September की आरबीआई ने डेडलाइन रखी है इनके लिए। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, रेनाउंड आर्टिस्ट रहे लक्ष्मण पाए, उनकी अनफॉर्चुनेटली कल डेथ हो गई, परसों सॉरी, एट द एज ऑफ 95। तो रेनाउंड आर्टिस्ट रहे लक्ष्मण पाए, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95। इन्हें देखिए पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला हुआ था लक्ष्मण पाए को, जो अपने ये घर में इनकी डेथ हुई है, गोवा में रहते थे ये, 95 ईयर्स के थे। और सो ही वाज एन इंडियन आर्टिस्ट एंड पेंटर, और ये प्रिंसिपल भी रहे हैं गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के फ्रॉम 1977 टू 1987, 10 साल तक। इसके अलावा जो उनकी पेंटिंग्स है और ऑन डिस्प्ले एट प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और इन्हें, मैंने आपको बताया, काफी सारे इन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, नेहरू अवार्ड मिला हुआ है, ललित कला अकेडमी अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो गोवा लिबरेशन मूवमेंट था, जब गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया गया था, आपको मैं बता दूं कि जो गोवा है वो बहुत बाद में इंडिया का पार्ट बना था। वैसे तो देखिए इंडिया को इंडिपेंडेंस आप सभी को पता है 1947 में मिली थी, लेकिन गोवा जो है बहुत बाद में भारत का हिस्सा बना था। वो अभी काफी टाइम तक भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भी वो पुर्तगाल का हिस्सा था, उनके कंट्रोल में था, और इनका काफी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था गोवा लिबरेशन मूवमेंट में, ठीक है। और उन्हें उसके लिए जो है 3 बार अरेस्ट भी किया गया था पुर्तगाल की जो उस टाइम फोर्सेस थी उनके द्वारा, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है कि वो नहीं चाहते थे गोवा से जाना, ठीक है। लेकिन काफी उसके बाद जब गोवा लिबरेशन मूवमेंट बड़े लेवल पे, उसके बाद ही जो है पुर्तगाल ने भारत से, खासकर गोवा को छोड़ा, और उसके बाद काफी टाइम तक आप अगर देखेंगे भारत और पुर्तगाल के अच्छे रिलेशंस भी डिप्लोमेटिक नहीं रहे, और अब जाके जो है इम्प्रूव होने शुरू हो चुके हैं। सो इनका इन्वॉल्वमेंट था एक तो गोवा लिबरेशन मूवमेंट में। इसके अलावा मैंने आपको बताया इनको काफी सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, और फेमस पेंटर तो थे ही, आर्टिस्ट और पेंटर, और 10 साल तक ही गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल भी रह चुके। तो अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई है गोवा के अंदर, 95 ईयर्स के थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा मैंने आपको बताया आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com जरूर जा सकते हैं अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वो सब आपको इसमें प्रोवाइड होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स सब। Thank you.